लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। बात करेंगे सिंगरौली की, जहां नगर निगम चुनाव में अब उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने इतिहास रच दिया। बनी आम आदमी पार्टी की प्रथम महापौर, लंबे अंतराल के बाद हुए निकाय चुनावों के बाद परिणाम घोषित किए गए, जिसमें वोट की गिनती शुरू होते ही एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाकर रखी थी, वहीं दूसरे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी एवं तृतीय पायदान पर कांग्रेस रही। निकाय चुनावों के परिणाम जिस तरह से निकल कर सामने आए हैं, उसमें इस बार सिंगरौली जिले की जनता ने आम आदमी पार्टी पर अपना विश्वास प्रकट किया है। प्रत्याशी रानी अग्रवाल 9,359 वोटों से विजयी हुई हैं। देखिए संवाददाता चंद्रदेव शाह की यह रिपोर्ट। आपकी जीत हुई है नगर निगम महापौर चुनाव में। सत्ता पक्ष ने धन बल जन बल सब उपयोग किया, लेकिन आपसे हार हुई भाजपा प्रत्याशी, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि ये जनता की जीत हुई है, मेरी जीत नहीं हुई है, हम सबकी जीत हुई, पूरी सिंगरौली की जनता की जीत हुई तो, और जो भी हो हुआ, लेकिन मैं पूरा श्रेय जनता हूँ। आपके पार्षद पर्याप्त नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे उसको? पहला चुनाव था और हमारे जो पार्षद थे उन्होंने भरपूर मेहनत भी की थी, लेकिन जनता का ये है रुझान, तो मैं बिल्कुल जनता के तरफ से जो भी 7 पार्षद आए उनको बधाई। ये प्रशासन से आपकी कोई शिकायत रही इस चुनाव में? नहीं, कोई भी प्रशासन से कोई भी शिकायत नहीं थी, बिल्कुल चाहे मीडिया कर्मी हो चाहे प्रशासन, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव कराया और आज भी जो वोटिंग भी हुई अच्छे से, और आज भी जो पूरी गिनती थी बहुत ही सपोर्ट, सबका सहयोग रहा, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने जितने भी सिंगरौली की प्रशासन है, चाहे मीडिया कर्मी हो चाहे अधिकारी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।